तो वो भाई लोगों से हो चुका है मीटअप, मतलब भाई ने स्मोकी स्मोकी कर दिया यार। भाई लोगों क्या हाल चाल है, अभी घूम रहे हम रामनगर की गलियों में। यार पठानकोट जाने इस टाइम क्या उचित नहीं है, क्योंकि यार बारिश हो रही है, रौफड़ वफड़ आ जाते हैं, कभी दिक्कत का सामना करना। रामनगर शहर दिख रहा है, पूरा रामनगर शहर है, काफी अच्छा व्यू है। अगर यहाँ ड्रोन होता हम पे तो हम काफी अच्छा शॉट दे सकते थे, बट अभी हम सस्ते बजट वाले हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। केम छो, मतलब मजा माँ, फुल पावरफुल इंजॉय माँ, फुल इंजॉय में होने चाहिए। और भाई आज जा रहे हैं हम पठानकोट, है ना, आरुष भाई लोगों के साथ, आरुष भाई, चार्ल्स भाई, बाकी पता नहीं कौन कौन है। और बाकी अभी फ्रेश फ्रेश होता हूँ, आज भी लेट ही उठा, पता नहीं क्या हो गया, नींद ही नहीं खुल रही है ना, नींद खुलती है फिर सो जाता हूँ, तो ऐसे सिस्टम हो रहा है। और आज धूप आई है, सुबह तक तो बारिश थी, और ये माउंटेंस क्लियर दिख रहे हैं आज, है ना। माउंटेंस में जाना है, इन माउंटेंस में, एक माउंटेंस में, छोटे माउंटेंस में, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं सीधे अब भाई लोगों के साथ ही, है ना, क्योंकि अभी मुझे फ्रेश व्रेश होना है, मुँह धोना है और निकलना है। तो वो भाई लोगों से हो चुका है मीटअप, मतलब भाई ने स्मोकी स्मोकी कर दिया यहाँ, धुआं धुआं। और अभी जाना है यात्रा में, निकल रहा है टूर पे रामनगर में। अभी हम ब्रजेश अस्पताल, फ्रॉड अस्पताल ऑफ रामनगर, वो हो गया टाइम ज्यादा, तो हम पठानकोट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे क्यारी। क्यारी द फेवरेट प्लेस, फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ बावा लोगों की। बस और रामनगर में सामान वगैरह, कुरकुरीज, चिप्स और कुछ मज़ेदार चीज़ें। भाई लोगों क्या हाल चाल है, अभी घूम रहे हैं हम रामनगर की गलियों में। यार पठानकोट जाने इस टाइम क्या उचित नहीं है, क्योंकि यार बारिश हो रही है, रौफड़ वफड़ आ जाते हैं, कभी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा अगर हम चले जाएंगे, है ना, तो उससे या थोड़ा क्यारी जाके आ जाएंगे, है ना। तो कोई सिस्टम नहीं है, हर जगह वो है, तो हम तो ऐसे सोच रहे थे टहल के आ जाएंगे, और हमारे बालाजी मंदिर रामनगर का, है ना। और कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें जी हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, क्या बात है। और ये रामनगर का पार्क है, है ना, रामनगर वहाँ आज की भी चल रही है फुल पावर, और सामने माउंटेन्स, वी आर माउंटेन लवर्स। चार्ल्स आप भी माउंटेन लवर्स हो? या ऑफ कोर्स ब्रो। अच्छा, आप माउंटेन के बारे में दो शब्द अपने वाणियों से निकालिए, मतलब दो शब्द माउंटेन के लिए। हाँ यार, हम तो पैदा ही माउंटेन में हुए हैं, तो माउंटेन से जैसे एक माँ से एक बच्चे को प्यार होता है, वैसे हमें भी माउंटेन अपनी माँ माँ समान लगती है, और हम उससे बिल्कुल वैसे ही प्यार करते हैं। क्यों भाई? ओके, बिल्कुल यार, माउंटेन्स एक प्लेन्स, एक शहरों से, एक माउंटेन्स रूरल जगह, बहुत पीसफुल जगह है। अगर आप भाई, हम तो भाई सेटलमेंट होने का तो पहाड़ी बच जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई जन्म ही हमारा पहाड़ में हुआ है, भले मेरे भाई बहन का नहीं हुआ, मेरा तो अलग लगाव हुआ है, क्योंकि मैं पहाड़ माउंटेन्स बॉय हूँ, है ना। तो भाई अपने को लव है, हमें जब भी मौका मिलता है हम कभी मना नहीं करते कि माउंटेन्स के लिए, है ना, चाहे कोई भी दिक्कत हो। तो ये सिस्टम है, पीस है, अच्छे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। माउंटेन्स में कहीं भी चले जाओ, जो माउंटेन्स में लोग होंगे ना रूरल जगह में, और रूरल जगह में बहुत अच्छे मिलेंगे शहरों से मुकाबले। तो ये सिस्टम है। और बस हम इस टाइम बैराज पे एंट्री कर रहे हैं, रामनगर बैराज, और ये कॉर्बेट का एक साइट सीन भी में आता है। अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क का पैकेज बनवाओगे तो उसमें एक ये क्या बोलते हैं, रामनगर बैराज भी साइड सीन होगा, काफी ब्यूटीफुल बनाया है, है ना। कॉर्बेट न्यू ग्रीन वैली रेस्टोरेंट ना, रेस्टोरेंट का नहीं करेंगे ना वो प्रमोशन। तो भाई ये ऐसा है, क्योंकि इस टाइम यहाँ ठंड के टाइम आती है माइग्रेटेड बर्ड्स दूसरी कंट्री से, ना माइग्रेट हो गए, आती हैं डक्स, आती हैं बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, क्योंकि नैनीताल आपको पता ही है बर्ड्स वॉचिंग हब है ना। और यहाँ
एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक क्या बोलते हैं बर्ड सेंचुरी भी है ना, पानगोट बर्ड सेंचुरी है ना, पानगोट बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ, जो इस टाइम माइग्रेट होकर आती है यहाँ बैठी है। मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में हेलमेट भी है, ये देखो इसमें बैठी भी हैं सारी माइग्रेटरी बर्ड हैं, ये माइग्रेटेड डक्स हैं, तो ये आई हैं सारी माइग्रेट होकर आती हैं ठंड में, पूरी भरी पड़ी हैं, तो ऐसा सिस्टम है। एंटी फोटो शूट करवा रही है बहुत बहुत माफ़ी भाई लोगों, अब जा रहे हैं हम कहाँ टेढ़ा की तरफ, माफ़ी क्या यार माफी चेक है ना, तो भाई ऐसे सिस्टम तो बाकी हम पे तो सब कुछ था पक्का, पर बाकी भाई लोगों पे पक्का काम नहीं था, तो इसलिए इधर का व्यू भी अच्छा है बहुत, ये देखो एकदम स्मूथली चल रहा है मामला, और हमारे ड्राइविंग सीट में हमारे चार्ल्स भाई फुल पावर, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ वाले हमारे भाई, और लास्ट ईयर है ना भाई तुम्हारा भी पिथौरागढ़, 12th हो जाएगी भाई की, उसके बाद भाई इंडिया खेलेगा हमारा AFC इंडिया, सिलेक्शन होने वाला है इनका। ओके फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। रामनगर शहर दिख रहा है, पूरा रामनगर शहर है, काफी अच्छा व्यू है, अगर यहाँ ड्रोन होता हम पे तो हम काफी अच्छा शॉट ले सकते थे, बट अभी हम सस्ते बजट वाले हैं फ्यूचर में अगर सपोर्ट आप लोग सपोर्ट करोगे तो ड्रोन भी उड़ा देंगे, क्या दिक्कत है हैं फुल पावर कोई सिस्टम नहीं है। लोगों क्या हाल चाल, मतलब फुल पावर लोकेशन में आ चुके हैं टेढ़ा, आप भी आ सकते हो यहाँ पर, ये लोकेशन है फुल पावर वाली है ना, और सामने चौकी है, चौकी से आगे आगे ऐसे पत्थर लगाए होंगे और अंदर आके आप बैठ सकते हो एंजॉय ले सकते हो यहाँ, तो ये एंजॉय चल रहा है फुल पावर वाला। रोड पे कर ब्यूटीफुल लोग घर पहुंच चुके हैं, भोजन वोजन कर लिया है, और क्या कहते हैं जो प्लान था पार्ट कट हुआ कैंसिल हो गया था, तो हम चले गए टेढ़ा बस, और इसे पता नहीं। हाँ भाई टाइगर तो डॉन, तो ऐसी सिस्टम है, तो आगे का मौसम बढ़िया हो रहा है तो मैं बनाता हूँ टाइम लैप्स, और क्या करें है ना, फुल पावर इंजॉय लो, हमें भी इंजॉय करने दो। चाल हैं आपके, बढ़िया बढ़िया ही होने चाहिए, बस नींद आ रही बहुत तेज से है ना, भोजन वोजन हो चुका है, और बस फिर दिन में शाम को बारिश होने लग गई तो कुछ हुआ नहीं। टाइम लैप्स बनाए, बहुत सारे बनाए, तो पसंद एक ही आया वही डाला है ना, तो जैसे भी लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, इन्जॉय करते रहो, नॉलेज लेते रहो, नेचर को सेव करते रहो, क्लीन इन्वायरमेंट करते रहो है ना, तो ये ट्री लगाते रहो। जय शंकर महाराज, पीस आउट।